यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मॉनसून तेजी से देश में सक्रिय हो रहा है। महाराष्ट्र से आगे बढ़ करके मॉनसून अब छत्तीसगढ़ बिहार की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। अगले 72 घंटे देश के 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश भारी तबाही मचा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में दिल्ली NCR समेत चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बिजली कड़कने के साथ तूफान आ सकता है। वहीं कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। लोगों को किसी भी नदी या समुद्र के आसपास नहीं जाने की सलाह दी गई है और पिछले एक महीने में खराब मौसम के चलते भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस दौरान हादसों के चलते 400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक के तटीय इलाके गोवा, कोंकण, ओडिशा, केरल, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में 11 जून को भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। IMD के मुताबिक तटीय इलाकों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में तेज धूल भरी आंधी के चलने की संभावना है और बिजली के कड़कने का भी अनुमान है।